हाय फ्रेंड्स, पूजास होम स्टाइल कुकिंग में आपका स्वागत है। इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम बनाएंगे गणेश जी का प्रिय मावा मोदक। ये बहुत ही सिंपल और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। इन मावा मोदक को बनाने के लिए हमने 2 से 3 चीजों का ही इस्तेमाल किया है, तो जल्दी से बनाते हैं ये स्वादिष्ट मोदक। मोदक बनाने के लिए मैंने पैन में लिया है दूध। ये 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क है। यहाँ पर आप किसी भी पैकेट का मिल्क ले सकते हो, लेकिन हो सके तो आप फुल क्रीम मिल्क का ही यूज कीजिए। इससे मावा ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पर मिल्क को मैं हाई फ्लेम पर बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पर मावा बनाने के लिए हमें मिल्क को रिड्यूस करना है, इसलिए इसे हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। आप इसे मीडियम या लो फ्लेम पर भी गर्म करके बना सकते हो, लेकिन हाई फ्लेम पर बॉईल करके बनाने से मिल्क जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। इससे आपका काफी सारा समय बचेगा, साथ ही मावे का कलर थोड़ा सा येलोइश आएगा। मिल्क को हमें कंटिन्यूअसली चलाते रहना है और पैन के किनारे पर जमा नहीं होने देना है। अब लगभग 15 मिनट ऐसे ही चलाते रहने के बाद देखिए, दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है और हल्का सा गाढ़ा भी होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे केसर, जिसे मैंने गर्म दूध में भिगो कर रखा था। इससे मावे में अच्छा कलर और फ्लेवर आएगा। घर पर मावा बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन एकदम फ्रेश मावा बनकर तैयार होता है। अगर आपको इंस्टेंटली मोदक बनाने हैं, तो मावा मार्केट से भी लाकर बना सकते हो। इससे आपका मावा बनाने का समय बच जाएगा और आप झटपट मोदक बना सकते हो। देखिए, मिल्क लगभग पूरी तरह से रिड्यूस होकर गाढ़ा हो गया है। इसे हमें पैन में लगातार चलाते रहना है, ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा होकर मावा बन जाए। इस मावे को बनाने के लिए मुझे हाई फ्लेम पर लगभग 45 मिनट का समय लगा है। तो देखिए, बिल्कुल बढ़िया मावा बनकर तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद मावे को पैन से एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे फैलाकर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद मावे में डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इससे मोदक में अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही डालेंगे 1 कप शक्कर का पाउडर। ये लगभग 250 ग्राम है। अब मोदक में फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप बारीक किसा हुआ नारियल। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसकी जगह आप अपनी पसंद का फ्लेवर भी ऐड कर सकते हो। इन सभी को हम मावे के साथ मिक्स करेंगे। मावे का मोदक बनाने के लिए दूध और शक्कर ही मेन है। इसके अलावा स्वाद के लिए आप एडिशनल चीजें भी डाल सकते हो। यहाँ हमने मावे में सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है मोल्ड। यह आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसे बंद करके इसमें मावा भरेंगे। मावे को हमें मोल्ड में अच्छे से दबाते हुए भरना है। इसके सेंटर में डालेंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और इसे नीचे से और मावा भर के पैक कर देंगे। अब मोल्ड को धीरे से ओपन करेंगे और मोदक को नीचे से दबाते हुए इजीली बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, बहुत ही सुंदर मोदक बन गया है। ये एकदम मार्केट जैसा लग रहा है और इसका शेप भी एकदम परफेक्ट आया है। अब इसी तरह से हम सभी मोदक बना लेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को स्टफ करने के बजाय डायरेक्टली मावे में ही मिला सकते हो। तो देखिए, बिल्कुल प्यारे से छोटे छोटे मोदक बनकर तैयार है। इनमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, क्योंकि इन मोदक को हमने पूरी तरह से घर पर ही बनाया है। इस गणेश उत्सव पर आप भी बनाकर ट्राई कीजिए मावा मोदक। ये आपको जरूर पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के लिए।